नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में स्वागत है। आज मेरे पास आए हैं, आप ही बताओ अपने। सर, मेरा नाम साहिल खान है, मैं मुरादाबाद से रहने वाला हूँ। मैं तरुण सर को अब से नहीं 3-4 साल से जानता हूँ। तो मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पे हैदराबाद की, मुझे वो वीडियो देख के अच्छा नहीं लगा। और वैसे तो मैं तरुण सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत दिन से इनसे कनेक्ट हूँ, तो मुझे रहा नहीं गया, इसलिए मैं दिल्ली आया। मगर जाके फेस टू फेस क्लियर करता हूँ कि मामला क्या है, तो इसलिए तरुण सर बताएंगे कि बात क्या है वो। आप मेरे बारे में या मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में कितना जानते हो? सर, मैं जानता हूँ कि आपकी ऑफिस है दिल्ली में, दुकान है बेडमपुरा में, और एक इंस्टीट्यूट है आपका हैदराबाद में। अच्छा, उसको मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो इंस्टीट्यूट था, ये कैसे शुरुआत हुई? ये शुरुआत हुई BRT से। जब मैंने इंस्टीट्यूट शुरू करा, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैंने शुरू करा तब आईफोन की फीस मार्केट में 1 से 1.5 लाख रुपए फीस थी। यस या नो दोस्तों, थी या नहीं थी? मैं पहला इंस्टीट्यूट खोला, आज इस इंस्टीट्यूट को खोले 1.5 साल हो गए, जिसमें ये जो बोल रहे हैं ये सब मेरे टीचर थे, मेरे पास काम करते थे, और सब और भी बहुत लोग पढ़ाते हैं मेरे यहाँ। तो 1.5 साल पहले खोला, तो फीस मैंने इतनी कम करी कि सब लोग बोले क्या हुआ भाई। मैं चाहता था हर आदमी पढ़े, भाई पढ़ोगे तो ही तो आगे बढ़ोगे, तो ये मेरा सपना था। और मैं हैदराबाद कभी कभी जाता हूँ, महीने में जब भी बैच होता है आता जाता हूँ। पढ़ाने वाले मेरे सारे टीचर्स थे, तो इन टीचर्स के साथ मैंने शुरुआत भी करी और लंबे भी चले, और भी टीचर भी पढ़ा रहे हैं। जब ये लॉकडाउन हुआ तो मुझे ही नहीं पता चला, ये जो बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं लॉकडाउन के बीच के हैं जो आप बोल रहे हैं, तो पढ़ाने वाले यही टीचर थे, और इन्होंने पढ़ाया नहीं और अपने पास लेके चले गए, अपना धंधा को चमकाने के लिए, मेरे बिजनेस को खराब करने के लिए, या मेरा जो इंस्टीट्यूट है उसकी इमेज को खराब करने के लिए। मेरा बिजनेस नहीं, मैं चाहता सब पढ़े, सबसे कम फीस थी और सबसे अच्छी सर्विस मैंने दी। मैंने क्या क्या शुरू करा, कोई इनको पेस्ट नहीं देता था, बोर्ड नहीं देता था, ये सब कुछ मैं लाया हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने शुरू करी हैं, पहले लोगों ने मुझे कॉपी किया है, हर चीज़ को कॉपी किया है। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने उन बच्चों को पढ़ाया नहीं, खुद ही नहीं पढ़ाया, और अपने वहाँ क्या पढ़ाएंगे। जब मेरे यहाँ ये पहले पढ़ाते थे तब कोई शिकायत नहीं आती थी, तब सारे बच्चे खुश थे, प्रैक्टिकल भी होता था हर चीज़। आज आप छोड़ के चले गए, अपने बिजनेस करते हो, मुझे क्या कहोगे? मतलब सर, पहले जब खुद करते थे तब तो ठीक था, हाँ, अब अपने वहाँ कर रहे हैं तो अब वो BRT खराब हो गया। BRT खराब हो गया, गलत बात है ना सर? गलत बात है। और रही सच्चाई की, ये वीडियो कैसे आती है, तो आपको मैंने अभी बताया भी था कैसे आती है। मुझे अभी तरुण सर ने बताया कि ऐसे ऐसे मामला है, मैंने उन्हें फोन करा, ठीक है, मैंने अपने फोन पर रिकॉर्डिंग चलाई, वो रिकॉर्डिंग अभी आपको पता चल जाएगी इस वीडियो में कि रिकॉर्डिंग में उन्होंने क्या बोला। मेरे से मांगे उन्होंने एक वीडियो का 10,000 रुपए बनाने के। चैनल है, बिका हुआ नहीं, ये सच को झूठ करने वाला। जो आदमी कोई पैसे देके वीडियो बनाएगा, आपको फायदा होगा तो ही तो बनाओगे। आप फायदे में क्या कहोगे, सामने वाले को दिखाओ, अपने वाले को ऐसे दिखाओ, ये तो बिकेगा ही ना सब कुछ, ऐसे ही सब कुछ तो ऐसे ही बनेगा। जब कोई वीडियो पैसों में बनती है, कोई बाहर जाता है या कुछ भी होता है, तो सामने वाले को कुछ भी दिखा सकते हैं, तो जो दिखता है पैसा थोड़ी होता है, और उसकी सच्चाई मैं नहीं। और अगर कोई आएगा मेरे पास प्रूफ दिखा देता हूँ अकाउंट में पैसे डालने के भी, पहले मेरे साथ रहते थे, फिर कोई भी चीज़ सच करने के लिए, झूठ करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक छोटे से शहर में जाके वीडियो बनाते थे, उसको इतना बड़ा दिखा सकते हैं, जहाज दिखा सकते हैं। आपकी फेसबुक पे फोटो भी है उनके, आपके साथ में मैंने देखी है। वो तो मेरे साथ घूमने गया था तो वो फोटोज है, और क्या नाम है, फोटोज तो रहेंगी साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा और उनका मसला, जब से मैंने 1 साल हो गया वीडियो नहीं देता, क्योंकि हर आदमी जाता अपने पैरों पे खड़ा हो, आगे बढ़ना। मैं, मेरा चैनल और इतने लोग मेरे साथ, आप लोग जुड़े हो, आप लोगों का साथ मेरे साथ है, तो मुझे किसी की दिक्कत है, ठीक है। मेरे को टाइम लगा चैनल मैं स्टार्ट करने में, सब आप लोगों ने मुझे कहा कि आप अपनी वीडियो खुद डाला करो, आप अपना खुद चैनल शुरू करो, तो मैंने करी, सब कुछ मैंने आप लोग करा, आप लोग कहने पर। और मुझे पता आज भी आप मेरे साथ हो, मैं भी तो सच सबको पता होना चाहिए। और देखो, अब रिकॉर्डिंग मैं सुनाऊंगा ना उनकी, कि आपको लगता नहीं होगा, आप फोन कर लेना उनको, कोई भी फ्री में वीडियो बना दे, तो पैसों के बिना काम भी नहीं करते, वो हिलते भी नहीं है। जब आदमी पैसे लेके कुछ भी सच या झूठ दिखाएगा तो झूठी है वो। मैंने एक चीज और बोली वीडियो में, मैं कह जी मेरे सामने कंप्यूटर है छोटा सा, उस कंप्यूटर की बैंड बजानी है, तो उन्होंने ये बोला कि ऐसे कुछ नहीं होगा, आपको 3-4 वीडियो डलवानी पड़ेगी, इसका मतलब मुझे 30-40 हजार रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो मतलब वो तो पैसे दो, मैं ये सोचू कि मेरे सामने जो कंप्यूटर खड़ा है उसकी 4 वीडियो और आएंगी मेरे को बैंड बजाने के लिए। मैं किसी चीज से नहीं डरता, कोई वीडियो आए या कुछ भी आए, मैं सच हूँ, मैं सही हूँ, और मेरे यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है, किसी को डेमो क्लास, अभी दिल्ली में भी इंस्टीट्यूट शुरू, आप आओ। और दूसरी बात, ये शुरुआत कैसे हुई, जो छोड़ के भाई को भेज रहा हूँ आपके यहाँ दिल्ली, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह भेज दीजिए आप। क्या कहते हैं, ये क्या से शुरुआत है, ये जो इंस्टीट्यूट खोलने की, MD Ali
जो मेरे नए टीचर है उनसे वो बहुत जलते हैं कि एमडी अली साहब को क्यों लेके आए, हम हैं तो सही सर दिल्ली में। मैंने कहा नहीं आप हैदराबाद पढ़ो, दिल्ली में नहीं पढ़ाओगे। उन्हें लगा दिल्ली में इंस्टीट्यूट चलेगा तो हैदराबाद में धंधा नहीं आएगा। उन्होंने लॉकडाउन में प्लानिंग करी, अपना धंधा खोला कि एमडी अली यहाँ पर आ जाएगा पढ़ाने तो हमारे पास होगा नहीं, हम अपना काम करते हैं। और जो लास्ट जो बैच लॉकडाउन के बाद खुला तो उन्होंने ही पढ़ाना था। मैं तो दिल्ली रहता हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बहुत बढ़िया सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ। मैंने ये चाह कि सारे लोगों को अच्छी एजुकेशन मिले, आगे पढ़े। ये बोर्ड का कल्चर मैं लेके आया, स्टेंसिल्स नहीं मिलती थी, कंज्यूमेबल पार्ट्स के चार्जेस लगते थे, सब मैंने फ्री करा। आप किसी भी पहले पता कर लो, जितने पुराने हैं 300 बच्चों को पढ़ाया मैंने, कोई नहीं आया आज तक। अब क्यों आए, कुछ तो होगा ना, उन्होंने कुछ तो ऐसा करा होगा और किसी ने कोई लालच दिया होगा। उनकी भी वीडियो देखूंगा मेरे को क्या बोला और आपके आगे क्या बोला है। फिलहाल तो मैं ये दिखाऊंगा, ये चैनल एक नंबर का बिकाऊ है, सच को झूठ बोलता है और कोई काम नहीं है किसी भी तरह। और उनकी रिकॉर्डिंग मैं क्यों बोलूँगा, आप आना इनका नंबर ले लेना, इनके पास देना, रिकॉर्डिंग है सारी चीज़ें हैं। और मैंने जब भी पैसे डाले हुए हैं तो मैं भी वो प्रूफ दिखाऊंगा मैं अकाउंट में पैसे डाले हैं। और ये देखो अस्सलाम वालेकुम समीर भाई। वालेकुम सलाम जी, साहिल खान बात कर रहा हूँ, समीर भाई मुरादाबाद से। हाँ जी सर, साहिल जी बोलिए। जी सर, कैसे हैं जनाब जी? वो जी मैंने ना अभी एक इंस्टीट्यूट डाला है ट्रेनिंग का, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान थी पहले हमारी। अच्छा, तो जहाँ से माल लेते हैं हम दिल्ली वगैरह से, तो एक दो बंदों ने बोला कि समीर भाई काफी अच्छे प्रमोशन करते हैं कुछ। उसके बाद मैंने आपकी वीडियो भी देखी भाई, तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम किया होगा आपने जी। तो हमारा भी थोड़ा सा प्रमोशन कर दो अगर भाई के सहारे हमारा कुछ हो जाए। कहाँ पर है सर आपका, दिल्ली में? नहीं सर, मुरादाबाद। अच्छा, मुरादाबाद है जी सर। ठीक है सर, मैं देखता हूँ, मुझे बता दो बस अपना आपका प्रोसेस वगैरह क्या, कैसे करोगे कैसे नहीं करोगे। सर मैं 10,000 रुपए लेता हूँ, मैं आपको क्लियर बताऊँ पर वीडियो शूट करने के। एक वीडियो के 10,000? हाँ जी सर। अच्छा, और करोल बाग से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ मैं, जिन शो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिनसे मैं 3-3 साल से या 2-2 साल से कंटिन्यू काम कर रहा हूँ। कचरा में बिल्कुल नहीं फैलाता अपने, ये नहीं कि मैं हर रोज एक वीडियो शूट करके यूट्यूब पे डालूं, ऐसा अपना नहीं है। अपना एक तरीके से न्यू गैजेट नगरी है तो वो एक ब्रांड है, हर दूसरे दिन एक वीडियो देगा, हर रोज एक वीडियो नहीं देगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको भी बिजनेस पूरा मिले जिससे कि आप अगली बार हमें बुलाएं, सबसे बड़ी बात इस तरह से। और दूसरी बात ये भी है कि खाली वीडियो डालने के बाद काम खत्म नहीं हो जाता, दूसरे यूट्यूबरों की तरह अपना काम होता है कि जब तक उस पर कमेंट आ रहे हैं कुछ भी आ रहे हैं सबको भरोसा दिलाना कि जेन्युइन शॉप है और रिप्लाई देना, जब तक उस पर उस वीडियो जब तक आपकी चल रही है ना उस पर कमेंट जो भी आएंगे सबको रिप्लाई देना और आपको भरोसा दिलाना कि हाँ सर जेन्युइन शॉप है, आप इनसे माल ले सकते हैं इस तरह से। हेलो, कितने बताए आप? 10,000 बता रहे हो ना सर? हेलो बोल रहा हूँ, आपने 10,000 रुपए बताए एक वीडियो के, कुछ कम ज्यादा हो सकता है भाईचारे में? सर देखो उसमें कुछ नहीं हो सकता, मैं इतनी दूर आऊंगा भी, ये लगा लो दिल्ली में जाता हूँ यहाँ से, मेरे 10 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, मैं तो करके आ जाता हूँ यहाँ पे वो काम। और अच्छा, वो भी छोड़ो सर, उनसे तो मेरा हर महीने का लगा मंदा है कि उनके हर महीने 2 या 3 वीडियो डालने पड़ते हैं सर। तो बताइए सर फिर कब आ रहे हो, कैसे करना है सर जी, कब आ रहे हो फिर? मैं आपके पास कब, आप बताओ कब आ रहे हो? देखो टाइम कैसे लोगे? मैं 20 तारीख को जा रहा हूँ वहाँ पे जबलपुर। जबलपुर? हाँ, एशिया टेलीकॉम जा रहा हूँ, उन्होंने बुला रखा है, तो वहाँ से 24 या 25 की वापसी है मेरी, उसके बाद मैं आपके पास आ जाता हूँ। अच्छा, और पैसे वगैरह कैसे देने पड़ेंगे फिर? पैसे वगैरह जब मैं आऊँगा तब दे देना, और क्या होगा। ओके ओके ओके, कैश मतलब कैश दे दूँ? कैश दे देना, या अकाउंट में दोगे अकाउंट में दे देना, कोई प्रॉब्लम वाली बात। चलो ठीक है, आप अकाउंट नंबर भेज देना मुझे व्हाट्सएप पे। ठीक है ठीक है। और एक चीज़ और बताऊँ, मैं दिल्ली आऊँगा संडे को, टूल लेना आना है, तो टूल किससे लूँ, एटीएन पर से लूँ, बीएसटी वाला या बाबा, किससे लूँ? सर आप ले लो टूल्स किससे, मतलब किस टाइप के टूल्स चाहिए थोड़ा आइडिया दो मुझे, मशीन चाहिए या वैसे फिटनेस प्लान वगैरह उस टाइप के टूल्स चाहिए? सारा सामान चाहिए, टूल्स का, टूल्स वगैरह, माइक्रोस्कोप वगैरह सारी चीजें लूंगा ना, एडवांस लूंगा दुकान के लिए। देखो मेरी दुकान पहले रिटेल की थी, मैं उसे होलसेल भी कर रहा हूँ और इंस्टीट्यूट दोनों काम चलेंगे। आप एक काम करना, जब आप आओगे एक जने के पास सारा सामान मिलेगा नहीं, आप लोहिया टेलीकॉम ट्राई कर लेना, लोहिया के बाद एके इन्फो ट्राई कर लेना, इनके रेट बढ़िया है,
अच्छा, माल माल भी बढ़िया है? क्यों माल तो घटिया माल तो मैं बताऊंगा ही नहीं सर आपको, अपना अपनी भी तो बातचीत है ना, नाम खराब करके फायदा नहीं। देखो घटिया रखना भी मत अपनी शॉप पे, घटिया रखने से यही होगा एक बार इमेज खराब होती है तो बंदा फिर वो बढ़िया भी लाओगे ना आप तो भी यही लगेगा यार उनके पास नहीं मिलती चीज। चलो ठीक है, आपकी बात करा दूंगा जब जाऊंगा। जी 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 बिल्कुल। एक चीज और बताओ सर जी, कुछ गुंजाइश तो कर लो, आप इतने दूर दूर जाते वीडियो बनाने, मेरे तो पास में ही है, मेरा कुछ थोड़ा कम हो जाए 10 से 10 हज़ार से। सर मैं जबलपुर जाऊंगा और जबलपुर जो आप जबलपुर छोड़ो, अभी मैं नरेश जी का हैदराबाद गया था, उन्होंने मुझे फ्लाइट के टिकट आने जाने की दी थी और 10,000 रुपए दिए थे ऊपर से मेरी वीडियो पे। मतलब 10,000 रुपए भी दिए, आने जाने की फ्लाइट भी दी? हाँ जी सर, हाँ जी। ये तो ये है चलो पास, हाँ ये तो चलो पास वाली बात है, चलो मैं आ जाऊंगा और हो जाएगी कहानी, नहीं तो अगर यही अगर आप पंजाब में होते या कहीं होते तो मैं आपसे ये कहता जी मेरे को जाने आने का खर्चा दो। अच्छा, जाने आने का खर्चा 10,000 अलग से? हाँ। अब एक छोटी सी बात और भाई के नाते बता दो, एक ना छोटा सा कंप्यूटर है मेरे सामने ही। अच्छा, तो पहले से चला रहा ठीक है, तो छोटा इतना बटन नहीं है, उससे तो डबल है मेरा सेटअप। जी जी। उसकी बैंड बजानी है तो मैं 5-10 हज़ार रुपये फालतू दे दूँ आपको, तो क्या करोगे ये बताओ। सर मैं बताता हूँ आपको, उसके लिए ये होगा 2-3 वीडियो आपको डलवानी पड़ेंगी। अच्छा, 2-3 वीडियो मतलब 30-40 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे मुझे सर्च में, तभी आओगे आप। सही बात बताऊं तो मैं आपको, इसका मतलब हैदराबाद हैदराबाद वालों की तो वीडियो 20,000 में पड़ गई होगी, 10,000 की फ्लाइट होगी आने जाने कम से कम, और 10 आपको दिए। उनका पड़ा उनका 22 या 23 हज़ार पड़ा था सर। अच्छा, वीडियो उन्होंने 22-23 हज़ार रुपए दिया, हैदराबाद पड़ गया उनका, हैदराबाद वालों का वीडियो बनवाना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और उसका जो उनका जो मैंने पहला वीडियो डाला था उसमें उन्होंने वीडियो शूट करके दिया था, ना मैं कहीं गया था ना कुछ, घर बैठे एडिटिंग करी थी, तो 10,000 रुपए लिए थे मैंने उनसे। अच्छा, वो वीडियो उन्होंने बना के भेजी तब भी आपने 10,000 रुपए लिए अपने चैनल पर डालने के? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है सर। सर आप वो आप 10,000 रुपए मत देखो, आप ये देखो कि आपको बिजनेस मिलना चाहिए सबसे बड़ी बात। अगर आपको बिजनेस मिलेगा, आपके पैसे वसूल होंगे तो आप मुझे बार बार बुलाओगे, सबसे बड़ी बात ये देखो आप। तो मतलब सर जितने भी करोल बाग में सबसे आपकी सेटिंग है, मतलब सब आपको हर वीडियो का 10,000 ही पे कर देते हैं? जी 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 जी। अच्छा चलो जी, बढ़िया है सर। ठीक है सर, फिर बताता हूँ सर मैं आपको। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। आप सोच सकते हो आपको मैंने ट्रायल दिया, कभी भी आ जाना, मैं आपको प्रूफ दूंगा, सब कुछ दूंगा और हर चीज बताऊंगा। आप भी सोचो यार, जो आदमी पैसे देके काम कराएगा वो वही तो चाहेगा जो वो चाहता है। अब आप भी के पास एग्जांपल होगा, आपके आस पड़ोस में कोई दुकान खोल लेगा या वो तो कहेगा ना ये तो बकवास है, जब तक वो मिठाई खुद खा रहा है तब तक तो अच्छी है, ये तो कहेगा सब कुछ बकवास है। तो आप सोचो ना, ये धोखा नहीं, ये व्यूअर्स के साथ धोखा है, जो लोग विश्वास करते हैं उनको मानते हैं कि ऐसा है और ऐसा करते हैं। आप समझो सिर्फ वो काम पैसों के लिए होता है, बिना पैसों के लिए काम ही नहीं होता, यहाँ तो हर चीज़ पैसों के लिए होती है, बिकी हुई है। पहले पॉलिटिशियंस जिस तरह चलता था, चैनल्स खरीदते थे अपनी ऐड के लिए, इलेक्शन में जीतने के लिए, आजकल चैनल भी बिखरे हुए हैं, किसी को कुछ भी बनाते हैं। मेरा कोई, मैं किसी की वीडियो नहीं डालता, मैं अपने प्रोडक्ट्स की डालता हूँ, अपने से रिलेटेड डालता हूँ, यहाँ सब कुछ वही मिलेगा जो जेन्युइन है। और आप ये सिर्फ भटकाने का जरिया है, अपनी दुकानदारी चमकाने का तरीका है। जब आदमी आपके साथ, हम दोनों साथ हैं तो अच्छे हैं, है भाई, सब कुछ अच्छा है। आज तू चला गया तो आज तक 5 सालों का रिकॉर्ड ही खराब हो गया है, 300 बच्चे पढ़ाए वो तो 0 हो गए हैं। और जिस बैच को आपने लास्ट में कहा कि चल मेरे साथ चलो मैं फ्री में पढ़ाऊंगा या कुछ नहीं है मैं पर्सनल ट्रेनिंग दूंगा, तो बच्चे हैं भाई, स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट तो सब खा ही जाता है, किसी भी चीज़ में खा जाता है। तो अब तो मुझे पता है, आज मैं बोल रहा हूँ तो कल को और वीडियो आएंगी, मैं उसके लिए भी जवाब देने को तैयार हूँ। मुझे पता है जो आदमी बिका हुआ वो किसी भी हद तक गिर सकता है, वो अपनी अभी सारी हदें पार करेगा, पर मैं चाहता नहीं था, मुझे मजबूर करा इन्होंने ये सब करने को। और ये सब चीजें, ये जो सब चीजें लोगों को गुमराह कर रहे हो, जो व्यूअर्स को गुमराह कर रहे हो, ये सही नहीं है, इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। अच्छी बात है, जो मेरा जैसा घर मुरादाबाद में बैठ के ये सोच रहा है कि मामला गलत होगा, तरुण सर का कुछ गलती हो सकती है, मैं आया मिला मुझे पता तो चला ना, ऐसे मेरे जैसे हजारों होंगे जिनको पता नहीं होगा, तो इस वीडियो के थ्रू उनको पता चलेगा कौन सही है कौन गलत है। उसके बाद भी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मैं बैठा हूँ, अपनी टीम है, जो मेरे टीचर्स काम करते हैं, टॉप की टीम है इंडिया की। अभी आज के दिन MD अली, क्या नाम है अपना, श्रीनिवास सर, क्या नाम है, रमेश जी, ये मोबाइल गुरु राहुल, इतने सारे लोग हैं, सत्या, इतने सारे लोग हैं हमारे पास काम करने वाले, उसके बाद मनमोहन जी, इतने सारे लोग हैं। कौन टीचर्स को पहले जानता था? कोई नहीं जानता था, BRT को जानते थे, मुझे जानते थे, लाने वाला मैं, इनको लाया मैंने। उसके बाद एक टेक्नीशियन होते थे मामले से, आज वो सर हो गए। क्या हो गए? आज वो सर हो गए। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, आदमी को बढ़ना चाहिए, वो आगे जाए, बट सही रास्ते पे जाए, सच के साथ दें,
सच की उस पे चले, सच्चाई की जीत होगी। लड़ाई मुश्किल है ये, पर जीत होगी मेरी। मेरे को पता है मेरा आत्मबल, मेरा आत्मविश्वास आप लोगों की वजह से। आप लोग मेरे साथ हो ना, मुझे कोई नहीं हरा सकता, ये मेरा वादा है। और मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा, इससे अच्छा पढ़ाऊंगा, और आने वाले टाइम पे और धमाके करूंगा पढ़ाई के साथ साथ। थैंक यू।